कहते हैं किसी भी राज्य या शहर के विकास में सड़कों की भूमिका काफी अहम होती है। चाहे शिक्षा हो, कृषि हो या फिर व्यापार हो, सड़कें गांव की उन्नति का रास्ता खोलती हैं। यहीं से विकास की योजनाओं की शुरुआत भी होती है। ऐसे में सड़कें किसी राज्य और इलाके के लिए लाइफलाइन होती है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार पूर्वी भारत में बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही है, जो देश के 3 बड़े राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। सिलीगुड़ी गोरखपुर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया गया है। NHAI पूर्णिया के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे को निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है और DPR बना रही भोपाल की एजेंसी को ड्रोन सर्वे के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 519 किलोमीटर है, जिसमें 84 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहेगा। ये गोरखपुर से शुरू होकर देवरिया और कुशीनगर को जोड़ते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि ये आबादी से नहीं गुजरेगा, लिहाजा ज्यादातर ये एक्सप्रेसवे सीधा ही होगा। इसी कारण इसकी लंबाई कम हो जाती है। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे बिहार के कई जिले से होकर गुजरने वाला है। पहले इसमें गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज को शामिल करने का प्लान था, लेकिन हाल में सहरसा और मधेपुरा को जोड़ने की चर्चा जोरों पर है। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी। इसमें 6 और 8 लेन होंगे और एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि महज 6 घंटे में लोग सिलीगुड़ी से गोरखपुर पहुंच जाएंगे। यहां से गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे और वहां से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। हाल के समय में सिलीगुड़ी से गोरखपुर के लिए 4 लेन NH 27 है, लेकिन इस पर गाड़ियों के आवागमन का दबाव अधिक होने से तेज रफ्तार से चलना संभव नहीं है। ऐसे में गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाने में करीब 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। खैर, ग्रीनफील्ड सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन जाने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। लोग आसानी से अपने सफर को तय कर पाएंगे। आपको बता दें कि अब तक विकास की दौर में पिछड़े रहे देश के पूर्वी हिस्से की जनता को केंद्र सरकार का खास तोहफा उसके विकास में काफी मायने रखता है, क्योंकि पूर्वी हिस्से में विकास बहुत कम ही पहुंच पाया है। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे विकास के नए रास्ते खोलेगा, साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। लाइव सिटीज के लिए खुशबू की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।